महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता बरतने वालों में रीवा जिले प्रदेश के दूसरे स्थान पर है। जिले को यह सफलता जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे किलकारी अभियान के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों तथा महिला बाल विकास द्वारा लगातार प्रयासों से मिली है, जिसमें तैनात डॉक्टरों और नर्सों का टीम का सराहनीय योगदान रहा है। दरअसल गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य रक्षा के लिए रीवा जिले में किलकारी अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत विभिन्न विकास खंडों में चिन्हित हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य की जांच एवं उन्हें खून चढ़ाने के लिए जिला अस्पताल में शिविर लगाया जाता है एवं इसमें 300 से अधिक महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई है। गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच में रीवा जिले को पूरे प्रदेश में 75 के स्कोर के साथ दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस संबंध में कलेक्टर मनीष पुष्प ने बताया कि जिस जिले भर में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य रक्षा के लिए लगातार प्रयास किया जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों एवं अन्य चिकित्सा कर्मियों द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के कर्मचारियों के लगातार प्रयासों के से जिले में यह उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि किलकारी अभियान को लगातार जारी रखते हुए गर्भवती महिलाओं की जाँच एवं स्वास्थ्य रक्षा के लिए सफल प्रयास जारी रखें। गर्भावस्था में गंभीर परेशानी वाली महिलाओं को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराकर निःशुल्क समुचित उपचार कराया जाएगा एवं इसके लिए तैनात डॉक्टरों एवं नर्सों की टीम को सराहनीय योगदान दे रहे हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा मध्य प्रदेश से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। ये हेल्थ डिपार्टमेंट और महिला बाल विकास के लोग लगातार पिछले दिनों से एफर्ट कर रहे हैं और रीवा की रैंकिंग में सुधार हुआ है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में और बेहतर पोजीशन प्राप्त करें। ये जिला प्रशासन कटिबद्ध है कि जो मैटरनल हेल्थ है और जो बच्चे हैं उनके कुपोषण में कमी लाई जाए और इसके लिए हम लोग नवाचार भी कर रहे हैं और लगातार इसको स्क्रूटनी कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी कोई कमी दिख रही है तो एफर्ट कर रहे हैं कि गर्भवती माताओं, धात्री माताओं और बच्चों के हेल्थ के इंडेक्स में बेहतरी हो रीवा जिले के लिए। किलकारी अभियान जो मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं हैं उसी को पुश करने का एक एफर्ट है। इसमें हम लोगों ने ये कोशिश की है कि ऐसी गर्भवती माताएं जो हाई रिस्क कैटेगरी की हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, तो ये कोशिश की गई है कि उनके हाई रिस्क की पहचान हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही करें, मतलब गर्भावस्था के पहले तीसरे महीने में ही हम इस चीज़ की पहचान कर लें कि ये माताएं जो हैं वो हाई रिस्क कैटेगरी की हैं। फिर हम उनको जिला अस्पताल ले आते हैं, उनकी पहचान कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, उनके सारे टेस्ट कराते हैं और जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उनके हेल्थ कार्ड में हम उनके रेफरल सर्विसेज का भुगतान करते हैं। कोशिश ये होती है कि स्थानीय स्तर पर जहां वो महिलाएं रहती हैं वहां पर भी हमारी आशा कार्यकर्ता जाके उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहें और एक बार जिला अस्पताल में ला के हम उनके ठीक से अच्छी जाँच कर दें, आवश्यकता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर दें। ये कोशिश है कि जो हाई रिस्क की गर्भवती माताएं हैं उनका प्रसव आसानी से बहुत अच्छे तरीके से और शासन की सभी योजनाओं का लाभ देते हुए बेहतर तरीके से किया जाए ताकि उनके घर में भी किलकारी गूंजे।